दोस्तों सर्दियों में बहुत सारी हरी मिर्च आना शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम हरी मिर्च का चटपटा सा अचार बनाएं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जल्दी से हरी मिर्च का चटपटा सा अचार। तो यहाँ पे अचार बनाने के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे राई की दाल, सौंफ, थोड़ी सी कलौंची, हींग और मेथी दाना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हम ले लेंगे राई की दाल। यहाँ पे हमें सरसों का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने राई की दाल ले ली है। तो अब हम ले लेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे देखिए, हमने थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्च को ले लिया है, ये बिल्कुल कम तीखी वाली हरी मिर्च है। और इसके ऊपर के जो डंठल है उसे हमें निकाल लेना है। तो ये लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें इस तरह से हमें सारे डंठल को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी हरी मिर्च के डंठल निकाल दिए हैं। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको कट करना है। अगर आप चाहे तो इसे लंबाई में भी कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कट कर रही हूँ। कट करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे हमने सारी मिर्च को कट कर लिया। तो अब हम इसमें से सारे बीज को अच्छे से छान के निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम रख देंगे पैन, इसमें हम डाल देंगे सौंफ। तो सौंफ को हमें बस हल्का से सेकने ताकि सौंफ में से जो नमी होती है वो निकल जाए। तो करीब हम इसे 10 से 20 सेकंड के लिए हमें इसे सेक लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हमें सौंफ को अच्छे से ठंडा करके हम पीस लेंगे। उसके बाद हम फिर से इसमें डाल देंगे कलौंची, राई दाल और साथ में हम डाल देंगे थोड़े से मेथी दाने। इस सौंफ को भी हमें करीब 8 से 10 सेकंड के लिए भूनना है, लेकिन हमें इस मसाले को हमें नहीं पीसना है। इसे भी हम 8 से 10 सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि इसमें भी जो नमी है वो निकल जाए। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारे मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और फिर से हम रख देंगे पैन। तो यहाँ पे हमने 150 ग्राम सरसों का तेल ले लिया है, इसे हम धुआं आने तक अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद फिर से हम इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसे अचार में डालेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक बाउल, इसमें हम डाल देंगे पीसी हुई सौंफ, साथ में हम डाल देंगे सारे मसाले जो हमने राई की दाल कलौंची ली थी, और आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे हींग। उसके बाद हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको मेथी दाना का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप उसे हटा भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, साथ में हम डाल देंगे, अब हम डाल देंगे एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सारे मसालों को हमें मिक्स कर लेना है। और दोस्तों इस मसालों में आप थोड़ा सा पहले चख लीजिएगा ताकि नमक कम ना हो, क्योंकि अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे, अब हम इसमें डाल देंगे तेल जिसे हमने गर्म करके अच्छे से ठंडा कर लिया है। दोस्तों इस अचार में आप जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करें वो सारी सूखी होनी चाहिए, वरना आपका अचार खराब हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब हम इन मसालों और तेल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे वाइट विनेगर। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच इस्तेमाल किया है वाइट विनेगर का। दोस्तों इससे आपका अचार खराब नहीं होगा और लंबे टाइम तक चलेगा। अगर आपके पास वाइट विनेगर ना हो तब इसमें नींबू का रस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सारी मिर्च को। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने सारी मिर्च को डाल दिया है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ऐसी नई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमें इस मिर्च को और मसाले को अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है ताकि मसाला है वो मिर्च में अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने मसाला और मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए और 2 दिन के लिए धूप में रख दीजिए। तो जब भी कोई सब्जी अच्छी ना लगे तो आप इसे हरी मिर्च के चटपटे से अचार के साथ खा के इंजॉय कर सकते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारी हरी मिर्च का चटपटा सा अचार बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे।